यस गाइस, तो आज हम बात करने जा रहे हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। तो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो सबसे पहला लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का आता है, वो आता है क्या, जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ, जीरोथ लॉ क्या बोलता है कि अगर ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि दोनों के बीच में जो हीट, मतलब जो टेम्परेचर है दोनों का, वो सेम है। तो अगर ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में और बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में सेपरेटली, तो इसका मतलब ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, मतलब तीनों का टेम्परेचर सेम होगा। ये बोलता है आपका जीरोथ लॉ। फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ इज व्हाट, फर्स्ट लॉ इज एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, जिसमें बोलता है कि अगर आप सिस्टम को हीट प्रोवाइड करोगे तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा और सिस्टम वर्क डन करेगा। तो जितनी हीट प्रोवाइड करोगे उतना ही टोटल इंटरनल एनर्जी का चेंज प्लस वर्क डन होगा। दैट इज योर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ क्या है, एंट्रोपी। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स नेवर डिक्रीजेस। सेकेंड लॉ क्या बोलता है, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स नेवर डिक्रीजेस। एंट्रोपी मतलब डेल्टा एस विच इज ईदर जीरो या ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि डिक्रीज नहीं होता। डी एस इज डी क्यू बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी, डेल्टा एस इज इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी। अब ये एंट्रोपी होती क्या है, एंट्रोपी होती है अमाउंट ऑफ डिसऑर्डर। एक सिस्टम में कितना डिसऑर्डर है उस पर डिपेंड करेगा कि उसकी एंट्रोपी मतलब क्या है। तो एंट्रोपी इंक्रीज ही होती है या चेंज नहीं होती, सेम रहती है, कम नहीं होती कभी किसी सिस्टम की। तो केल्विन प्लैंक एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट, तो सेकेंड लॉ जो है, सेकेंड लॉ एक तो ये हो गया कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स नेवर डिक्रीजेस। दूसरा सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट जो दिया, वो केल्विन प्लैंक ने एक स्टेटमेंट दिया और क्लॉसियस ने एक स्टेटमेंट दिया, दोनों स्टेटमेंट सेम थे। देयर कैन बी नो इंजन विच कैन कन्वर्ट कंप्लीट हीट इनटू वर्क और वाइस वर्सा। कोई इंजन ऐसा नहीं हो सकता जो पूरे की पूरी हीट को वर्क में या पूरे के पूरे वर्क को हीट में कन्वर्ट कर दे। या कहने का मतलब, कोई इंजन ऐसा नहीं हो सकता जो एक कोल्ड बॉडी से हीट निकाले और हॉट बॉडी को हीट दे दे कंप्लीटली विदाउट डूइंग एनी वर्क। ऐसा नहीं होगा, अपने आप ये चीज प्रोसेस नहीं होगी। तो अब एंट्रोपी के लिए क्या है, दो टाइप के प्रोसेस होते हैं, एक होता है रिवर्सिबल, एक होता है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, जिसमें जैसे आप मान लो स्टेट ए से स्टेट बी पे गए और आपने एक पाथ चूज किया, तो आप उसी सेम पाथ पे वापस नहीं आ पाओगे अगर आपको बी से ए पे आना भी है तो। दैट इज कॉल्ड अ इरिवर्सिबल प्रोसेस, जिसमें सेम पाथ ट्रेस नहीं हो सकता। रिवर्सिबल प्रोसेस जिसमें आप उसी सेम पाथ से वापस आ सकते हो, दैट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा एस जो होता है, एंट्रोपी चेंज जो होता है, वो जीरो होता है क्योंकि आप उसी पाथ से वापस आ सकते हो। इरिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा एस जो होता है, एंट्रोपी चेंज, वो ग्रेटर देन जीरो होता है। जो रिवर्सिबल प्रोसेस है वो बहुत स्लो प्रोसेस होता है, इसीलिए वो क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस होता है। और वो प्रोसेस में जो कुछ भी होता है वो मैकेनिकल, थर्मल और केमिकल तीनों इक्विलिब्रियम में रहता है। और इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस में ये कुछ भी ऐसा नहीं है, वो इमीडिएट होने वाला प्रोसेस है। जैसे ब्रेकिंग ऑफ एन एग, अंडा टूट गया अब वापस थोड़ी बन सकता है। सिलेंडर में से गैस लीक, अब वो हो रही है वो वापस नहीं आ सकती गैस अंदर। देन हीट बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से हीट पैदा हुई है वापस, क्या आप फ्रिक्शन से हीट ले सकते हो, वापस नहीं ले सकते। एंड सडन एक्सपेंशन या सडन कंप्रेशन, वो भी आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो अगर हम टाइप्स ऑफ प्रोसेस की बात करें तो चार पांच टाइप के प्रोसेस हम मेजरली फॉलो करते हैं। पहला क्या है, आइसोमेट्रिक या आइसोकोरिक, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। दूसरा है आइसोबारिक, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तीसरा है आइसोथर्मल, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। और चौथा है एडियाबेटिक, जिसमें हीट एक्सचेंज जो है सराउंडिंग के साथ वो जीरो होता है। एडियाबेटिक का ही एक स्पेसिफिक केस है फ्री एक्सपेंशन, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, नोट कर लो।